हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन खजाना विद मनीषा। आज मैं बनाने जा रही हूँ यूपी और बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी, जिसे हम दाल पूड़ी बोलते हैं, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप देखिए ये कितनी अच्छी बनी है, मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। तो बहुत ही खस्ता बनी है और इसे बनाना भी बहुत ही ईजी है, और ये बहुत ही हेल्दी भी होती है फ्रेंड्स। तो आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चने दाल लिया है, जिसे मैंने 5 से 6 घंटे पानी में सोख करके रखा था। अभी उसका पानी निकाल लिया है। और यहाँ पे मैंने काली मिर्च और जीरा लिया है, और 5-6 लहसुन की कलियाँ, 4 हरे मिर्चें और 1 लाल मिर्चा लिया है। 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। अब इसे हमें फ्राई करना है, तो इसके लिए मैंने अपने कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब इसमें जीरा और काली मिर्च को डाल दूंगी और इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। जब ये हमारा भुन जाएगा तो इसमें लहसुन और मिर्चा डाल देंगे और इसे भी थोड़ा भून लेंगे, ताकि जो हमारी दाल का स्वाद बहुत ही अच्छा है इससे। अब इसमें दाल को डाल देना है और इसे भी 1 मिनट तक भून लेना है। ये बहुत जल्दी ही पक जाती है फ्रेंड्स। तो इसमें अब मैं नमक और हल्दी डालूंगी। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक डाला है और 1/2 चम्मच मैंने हल्दी को भी डाल दिया, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मेरा मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं 1/2 कटोरी पानी डाल दूंगी, और पानी डाल करके हम इसे ढक करके 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। 10 से 15 मिनट में ये पक जाएगी बहुत ही अच्छे से। तो देखिए मेरी जो दाल है वो पानी भी पूरा अच्छे से सूख चुका है, और जो दाल है वो भी पक गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए बहुत एकदम सॉफ्ट हो गया है दाल। तो इसे अब हम ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद से इसे हम मिक्सर जार में पीस लेंगे। इसे मैं मिक्सर जार में से पीसने से
है छन्नी से, और ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करना है पूरी को, तो ये बहुत अच्छे से फूल जाती हैं। तो देखिए ये भी मेरा जो पूरी है वो फूल गया, मैं इसे भी बाहर निकाल लूँगी। ऐसे ही करके हमें अपनी सारी पूड़ियों को फ्राई कर लेना है। देखिए मेरी सारी पूड़ियाँ फ्राई हो गई, तो आप देख रहे हैं ये कितनी अच्छी दिख रही है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो इसे मैं खीर के साथ मैंने सर्व किया है, ये खीर के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी ये रेसिपी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।